आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा अहंकारी। मोदी बोले कांग्रेस हारी तो देश हार गया, ये कौन सा तर्क है? कांग्रेस का मतलब देश नहीं है। राहुल को मनाने के लिए युवा कांग्रेसियों का धरना। राहुल ने कहा मैं अध्यक्ष पद पर रहना नहीं चाहता। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अधिकारी को बैट से पीटा। पुलिस ने किया आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार, कोर्ट से नहीं मिली राहत। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण को दी हरी झंडी। मॉब लिंचिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, बस्तर का आदिवासी नेता होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेसियों की बोलती बंद कर दी। मोदी ने कहा अहंकार की सीमा होती है, लोकतंत्र हार गया कहना जनतंत्र का अपमान है। अगर ऐसा है तो क्या वायनाड और बरेली में भी लोकतंत्र हार गया है? कांग्रेस हारी तो देश हार गया, ये कौन का तर्क है? कांग्रेस का मतलब देश नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कई सालों बाद दोबारा बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा अहंकार की सीमा होती है, लोकतंत्र हार गया, कहा जनतंत्र का अपमान है। अगर ऐसा है तो क्या वायनाड और रायबरेली में भी लोकतंत्र हार गया है? विपक्ष द्वारा किसानों को बिकाऊ कहकर उनका अपमान किया गया, ऐसा कहने वाले लोगों ने देश की जनता को कटघरे में ला दिया। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि 60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे कि देश हार गया? इस तरह के बयान से हमने देश के मतदाताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वोटरों का ऐसा अपमान इस तरह की पीड़ा देता है। पीएम मोदी ने कहा कि कड़ी तपस्या के बाद देश में चुनाव होता है और हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया क्या? ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया, मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं चाहिए, सीमा का कहां सवाल है? लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? पीएम मोदी ने कहा कि आप सिर्फ ईवीएम का विरोध नहीं करते, आपने विरोधी दल के मतलब के शब्द के रूप में उतार लिया है और हर चीज का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन का विरोध हुआ, आधार का विरोध हुआ, जिसे आप महान बताते हैं। हम अगर न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं तो तकनीक से कितना दूर भागेंगे? जीएसटी का भी विरोध किया गया, यह नकारात्मक है। उन्होंने कहा कि जिन दलों का व्यवहार इस सदन में रुकावट डालने का रहा है, सरकार को काम करने से रोकने का रहा है, उन्हें देशवासियों ने सजा दी है। लोकसभा में क्या किया इस पर नहीं, बल्कि राज्यसभा में क्या कर रहा है इसे देखकर जनता ने वोट किया है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे, इसके लिए देश भर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बंगले पर धरना दिया। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहता। राहुल गांधी को मनाने देश भर के युवा कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम युवा नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिलहाल पार्टी अध्यक्ष पद संभाले रखें। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने भी कहा कि पार्टी को समय के अनुसार राहुल जी की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी यूपीए की बैठक में शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस के 51 सांसद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को इस्तीफा वापस लेने को लेकर नहीं मना पाए। राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने इस्तीफे को पहली बार लेकर मीडिया में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में मैंने अध्यक्ष पद को लेकर स्टैंड साफ कर दिया है, मैं अध्यक्ष बने रहना नहीं चाहता।
राजस्थान के आई आवाज राहुल गांधी जिंदाबाद। राजस्थान के आई आवाज राहुल गांधी जिंदाबाद। राजस्थान के आई आवाज राहुल गांधी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की बैठक में वह इस्तीफे की बात कर चुके हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी राहुल ने पद छोड़ने की बात की थी, जिसे कार्य समिति ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस बैठक में भी राहुल अपनी बात पर अड़े थे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने राहुल से कहा कि आपका विकल्प नहीं है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने अपने साथियों के साथ जर्जर मकान तोड़ने आए नगर निगम के अधिकारियों की क्रिकेट के बैट से पिटाई लगा दी। निगम के अधिकारियों और विधायक के बीच पहले विवाद हुआ और उसके बाद विधायक आकाश ने बैट से अधिकारियों की पिटाई लगा दी। वहीं आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मकान तोड़ने के नाम पर महिलाओं के साथ अधिकारी बदतमीजी कर रहे थे, गरीबों के घर तोड़े जा रहे थे तो कैसे चुप बैठे। इसके बाद पुलिस ने आकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में बीजेपी विधायक और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अधिकारी को थमकाते हुए क्रिकेट बल्ले से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान 3 नंबर क्षेत्र से विधायक आकाश विजयवर्गीय भी वहां आ गए। उन्होंने निगम अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि आप 5 मिनट में यहां से नहीं गए तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके बाद उनके साथ मौजूद लोगों ने पोकलेन की चाबी निकाल ली। बाद में निगम के अधिकारियों और विधायक के बीच जमकर विवाद शुरू हो गया और मारपीट होने लगे। आकाश विजयवर्गीय और उनके साथियों ने पोकलेन मशीन पर पथराव कर उसे फोड़ दिया। निगम अधिकारियों की पिटाई को लेकर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान पर सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि इस घटना के बाद इंदौर में भी कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज को धरना देना चाहिए। इधर प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि विजयवर्गीय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जिस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे निगम कर्मी जो एक अतिक्रमण जर्जर मकान का हटाने गए थे बारिश के पूर्व हादसे से रोकने के लिए जिस प्रकार से खुलेआम गुंडागिर्दी करी, आतंक फैलाया, जिस प्रकार से निगम अधिकारियों की बेट से लेकर पिटाई करी, जिसका वीडियो और प्रमाण भी सामने आ गया है, पूरी तरह से आपत्तिजनक है, निंदनीय है। ऐसे विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं जो शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर एक पुलिस कर्मियों की पिटाई से हुई शिव मिश्रा की मौत को लेकर धरना दिया था, अब कांग्रेस पार्टी उनसे आह्वान करती है अपनी पार्टी के विधायक के इस गुंडागिर्दी के खिलाफ इंदौर में भी आके धरना दे और जो निगम अधिकारी जो असुरक्षित हो गए जिनकी जान को विधायक से खतरा है उनकी जान की सुरक्षा को मांग कर लेके उन्हें धरना देना चाहिए। इधर इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस मामले का दूसरा पक्ष सामने रखा, जिसके बाद किसी को भी आक्रोश आ जाना लाजमी है। आकाश ने आरोप लगाया कि कमिश्नर और एक मंत्री जानबूझकर इंदौर में ऐसी हालात पैदा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा आज भी अतिक्रमण हटाने आए लोग महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे। आज सुबह यहाँ पर गैंग पहुँच गई और वो गैंग में कोई भी महिला कर्मी नहीं थी, ना महिला पुलिस कर्मी वहाँ पर उपस्थित थी। महिलाएं जो उस मकान में रह रही थी, अधिकारी कमिश्नर के इशारे पे अधिकारी धीरेन्द्र बायस ने उस महिला का हाथ पकड़ा, उसे बंदी बंदी गालियां दी और उसे घसीटते हुए बाहर निकाला महिलाओं को, और खूब गालियां दी और खूब उनके साथ झूमा झपटी की।
अधिकारियों ने, पुरुष अधिकारियों ने, कोई भी महिला पुलिस, कोई भी महिला अधिकारी मौजूद नहीं थे। तब हमने जाकर वहां पर विरोध दर्ज किया और आक्रोश में वहां पर जो कुछ भी हुआ उसकी मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सीधे थाने आ गया था। कमिश्नर और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ IPC की धारा 353, 294, 323, 506, 147 और 148 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया है, जहां उनकी जमानत अर्जी को अदालत ने निरस्त कर दिया है। अब खबरें भोपाल से। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने की हरी झंडी देने के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री PC शर्मा ने कैबिनेट में लिए कई फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मॉब लीचिंग के मामले में जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। आरक्षण को निर्धारित करते हुए कहा गया है कि जिसकी आय 8 लाख से कम होगी उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री PC शर्मा ने बताया कि मॉब लीचिंग के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इनमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव के साथ ही बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इंदौर मेट्रो में 7500 करोड़ रुपए, भोपाल मेट्रो पर 69 करोड़ की लागत प्रस्तावित की गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य में निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। विधि विभाग कोर्ट फीस में इजाफा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। बार लाइसेंस में बदलाव करते हुए इसमें कमरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित हुआ है। नौकरी और एडमिशन सभी मामलों में मध्यप्रदेश के अंदर, उसमें जो केंद्र सरकार के नियम थे उन नियमों को भी सरपास करके ये तय किया गया है कि जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी, 5 एकड़ जमीन और वो ऐसी बंजर जमीन और जो 3 साल से जो खसरे में उसका रिकॉर्ड नहीं आया हो, ऐसी बंजर जमीन भी हो। छत्तीसगढ़ में नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मचे घमासान के बीच मंत्री TS सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर का आदिवासी नेता अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा और सरगुजा से एक और मंत्री बनने का संभावना है। उन्होंने कहा कि जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी को मैंने अपनी राय बता दी है, उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है, जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बदली परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे सीतापुर विधायक अमरजीत भगत को भूपेश मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि सिंहदेव के विरोध के बाद भगत का नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गया। सिंहदेव ने ही राहुल गांधी को मोहन मरकाम और मनोज मंडावी का नाम सुझाया है। इसके बाद एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी की है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी इन्हीं दो नामों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर सकते हैं। भूपेश सरकार में 12वें मंत्री को लेकर सीतापुर विधायक अमरजीत भगत के नाम पर चर्चा चल रही है। अमरजीत चौथी बार विधायक बने हैं और लगभग इन्होंने मंत्री बनाए जाने को लेकर सहमति बन गई है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीहोर तहसील का अचानक निरीक्षण किया। यहां राजस्व मंत्री न केवल राजस्व न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध तहसीलदार की डायस पर बैठे, बल्कि यहीं से लापरवाही के आरोप लगाते हुए तहसीलदार सुधीर कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके OSD कमल नागर के इस रवैये को लेकर मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ काफी नाराज है। अब संघ के लोग अलग अलग जगह मंत्री गोविंद सिंह के बर्ताव की शिकायत कर रहे हैं। राजस्व अधिकारी संघ का आरोप है कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सत्ता के नशे में मंगलवार को सीहोर में राजस्व न्यायालय की गरिमा भूल गए। इसमें सबसे खास बात यह रही कि उनके OSD कमल नागर ने भी न्यायालय के सम्मान को बचाने का प्रयास नहीं किया, जबकि नागर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं।
अब इस मामले में राजस्व अधिकारी संघ ने राजस्व मंत्री राजपूत के साथ उनकी ओएसडी कमल नागर को भी घेरना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रभारी मंत्री आरिफ अकील को भोपाल में इस सिलसिले में ज्ञापन दिया गया। राजस्व अधिकारी संघ ने बताया कि 25 जून को राजस्व मंत्री द्वारा अपने सहयोगियों के साथ तहसील सीहोर में तहसीलदार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्यायालय की गरिमा के विपरीत तहसीलदार न्यायालय के डायस पर स्वतः बैठ गए एवं न्याय अधिकृत गैर न्यायिक अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति भी न्यायालय के डाइस पर बैठकर राजस्व न्यायालय की गरिमा को आहत किया है। सार्वजनिक तौर पर राजस्व मंत्री ने तहसीलदार पद को भ्रष्ट किया। यह तहसीलदार संस्था के सम्मान स्वाभिमान और गरिमा पर गंभीर आघात है। विधि द्वारा सुस्थापित न्यायालय के डेकोरम को भंग करने की संपूर्ण गतिविधि सार्वजनिक हो चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय का अस्तित्व विभाग के मंत्री द्वारा ही समाप्त किया जा रहा है। इधर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह खुद की कार्यवाही को ठीक बता रहे हैं। औचक निरीक्षण करेंगे, जहां भी कोई अनियमितता पाई जाएगी सख्त से सख्त निर्देश दिए जाएंगे। हमने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण भी किया है। एसडीएम के यहाँ भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। कलेक्टर को हमने कहा है कि एसडीएम को निर्देश दो कि जो अनियमितताएं हैं उनको तत्काल दूर करें। मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना हो। हमने बजट पत्र में कहा था गरीब किसान व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उसके छोटे छोटे काम के लिए जो उसको महीनों भटकना पड़ता है, महीनों भटकना लंबित रहते हैं, वो लंबित नहीं रहेंगे। सारी कोर्ट में तहसीलदार कोर्ट हो चाहे एसडीएम कोर्ट हो, वहाँ सख्त हिदायत दी है कि आप जल्दी से प्रकरण निपटाएं। कोई भी हमारा युवा नौजवान किसान आम व्यक्ति परेशान ना हो, ये सरकार की मंशा। इस बीच सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि सीहोर के तहसीलदार सुधीर कुशवाहा भ्रष्ट हैं, इसीलिए उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। कलेक्टर का कहना है कि तहसीलदार को निलंबित करने का अधिकार राज्य शासन को है। मंत्री जी चाहे तो इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व को कार्यवाही के लिए लिख सकते हैं। राजस्व अधिकारी संघ के तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि भोपाल के कोलार इलाके को नगर निगम से अलग नहीं किया जाएगा। वहीं भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर को भी अब तोड़ा नहीं जाएगा। इसमें जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही राजधानी के कोलार क्षेत्र को नगर निगम से अलग कर पुनः नगर पालिका गठित करने के अपने निर्णय को कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस मामले में स्थिति साफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोलार को नगरपालिका बनाने का अपना फैसला बदल लिया है। कोलार को नगरपालिका नहीं बनाया जाएगा, वह नगर निगम का हिस्सा ही रहेगा। वहीं दूसरा मामला राजधानी से बीआरटीएस हटाने का था। इस पर भी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर एस बेलुमुर्गन ने निरीक्षण के बाद कहा कि बीआरटीएस को हटाने की जरूरत नहीं है। सिटी बसों द्वारा हो रहे प्रदूषण के सवाल पर जवाब में जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ई विकल्प पॉलिसी ला रही है। भोपाल इंदौर जैसे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही आधारित होगा ताकि प्रदूषण कम हो सके। देखिए, हमने सबसे पहले शुरुआत किया भोपाल के बीआरटीएस के साथ में, क्योंकि इंदौर की तुलना में भोपाल में कम ट्रैफिक भी चलती है और इन्फोर्समेंट भी कम होती है, तो इसलिए हमने प्राथमिकता लिया भोपाल के लिए। और पहले भोपाल की पूरी सर्वे कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद फिर हम इंदौर पे आएंगे।
जयवर्धन सिंह ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों में वाटर ऑडिट कराया जाएगा ताकि शहरों में होने वाली पानी की समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका निराकरण किया जा सके। स्मार्ट सिटी के विकास को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने स्मार्ट सिटी की जमीन को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया था। स्मार्ट सिटी एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग पर खासा ध्यान दिया जाएगा। एमपी के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संबल योजना में हुए घोटाले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि संबल योजना में पाए जाने वाले अपात्र कार्डों पर कार्यवाही की जाएगी। सिसोदिया ने आशंका जताई है कि संबल योजना के 40 से 50 फीसदी हितग्राही फर्जी हो सकते हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई गई जनकल्याण संबल योजना में घोटाला सामने आने की बात कही जा रही है। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस पर बयान देते हुए कहा कि जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं अपात्र होने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी। आरोप लगाया जा रहा है कि संबल योजना के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मजदूर बनकर फर्जी कार्ड बनवाए हैं। गरीब श्रमिकों के लिए बनी संबल योजनाओं का लाभ अपात्र लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। संबल योजना में अपात्र लोगों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने नोटशीट दी और उन्होंने उस पर निर्देश दिया है और हमारे प्रमुख सचिव जी ने भी उस पर आदेश दिए। प्रत्येक कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को और CO जिला पंचायतों को, जनपदों को कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करें। 15 जुलाई तक हम लोग चाहते हैं कि इसका सर्वे हो और दूध का दूध पानी हो, अपात्र लोगों को हटाया जाएगा और जो मूलतः बेसिक लेबरर्स हैं उनको इंक्लूड करके इस योजना में 1 रुपए राशन का भी प्रावधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है गरीबों के लिए। इस योजना में अगर मूल श्रमिक आएगा तो निश्चित रूप से कमलनाथ सरकार की। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आशंका जताई कि संबल योजना में 40 से 50 फीसदी हितग्राही फर्जी हो सकते हैं। श्रम मंत्री ने बताया कि सैंपल सर्वे में सिंगरौली की कुल जनसंख्या से लगभग दोगुने श्रमिकों का पंजीयन योजनाओं में हुआ। अन्य जिलों में भी बड़ी मात्रा में कुल आबादी के 85% श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इस सबकी 1 से 15 जुलाई के बीच जाँच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। बैरासिया के एक गांव में महिला ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन शव को अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी समस्या हुई। बरसात के कारण करीब 2 किलोमीटर तक कीचड़ था, किसी भी वाहन का वहां पहुंच पाना मुश्किल था। अंततः पुलिस ने परिजनों की मदद से शव को खटिया पर रखा। इसके बाद पुलिस खुद कंधा देकर शव को मुख्य मार्ग तक ले गई। पुलिस की संवेदनशीलता देख मृतक के परिजनों के अलावा पूरा गाँव अभिभूत हो गया है। ग्राम ढेकपुर स्थित बिजौरी टपरा निवासी कलीबाई ने सुबह करीब 10 बजे फांसी लगा ली थी। सूचना मिलने पर थाने के ASI गंगाराम शाक्य, मुन्नी लाल, ओझा श्रीधर चंदेरिया और सिपाही मांगीलाल किसी तरह ढेकपुर टपरा पहुंच गए। वहां शव को फंदे से उतारा गया लेकिन ढेकपुर टपरा से मुख्य मार्ग तक शव को लाना चुनौती भरा था। पूरे मार्ग में कीचड़ होने से किसी भी वाहन का वहां पहुंचना मुश्किल था, लिहाजा तय किया गया कि शव को खटिया पर रखकर मुख्य मार्ग तक ले जाया जाएगा। परिजनों की मदद से शव को खटिया पर रखा गया। इसके बाद पुलिस खटिया के कंधे को सहारा देकर मुख्य मार्ग तक लाई। इसके बाद वाहन से शव पोस्टमार्टम के लिए बैरसिया अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मार्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। 5 साल की बच्ची आंगनवाड़ी से घर लौट रही थी तभी अचानक रास्ते में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना में बच्ची का कान अलग हो गया। बच्ची का इलाज चल रहा है लेकिन प्रशासन कुत्तों का कोई इलाज नहीं करवा रही है। बस्तरहाट निवासी 5 साल की लड़की परी सुबह आंगनवाड़ी से घर लौट रही थी तभी कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में से बच्ची लहूलुहान हो गई। कुत्ते ने बच्ची का कान काट लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने बच्ची को कुत्ते से जैसे तैसे बचाया। बच्ची को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घायल बच्ची नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार के सुरक्षा कर्मी त्रिनाथ कश्यप की भांजी है। घटना की जानकारी लगते ही हेम सागर सिदार ने बच्ची के इलाज के लिए रायपुर ले जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था करने के साथ ही रायपुर के चिकित्सकों से भी चर्चा की जिससे कि जल्द से जल्द बच्ची को अच्छा इलाज मिल सके। नाम है परी कश्यप। तो इसे जो है आंगनबाड़ी से वापस आते समय किसी आवारा कुत्ते ने जो है नोच लिया है और इस घटना में जो है 5 वर्षीय बच्ची का जो कान पूरी तरीके से जो है अलग हो गया है। सूचना पर मेरे स्टाफ के द्वारा जो है मानवता दिखाते हुए जो है मेरी वाहन से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है और आगे जो है इस पर प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है जिसके
के माध्यम से कहाँ का सही तरीके से इलाज हो पाएगा। तो इस संबंध में जो है SDOP केसलू डॉक्टर यूलंडन यार्क और मेरे द्वारा जो है रायपुर में डॉक्टर कालड़ा पर नर्सिंग होम और DKS अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क किया गया है और उन्हें जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर वाहनों के माध्यम से जो है रायपुर बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। भोपाल की GRP पुलिस ने इनामी शातिर चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के पास से लाखों का माल बरामद हुआ है। आरोपियों पर चोरी की गई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। भोपाल में GRP पुलिस ने एक बड़े शातिर चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 10,000 के 4 इनामी शातिर चोरों के पास से पुलिस ने आभूषण, मोबाइल तथा नकदी सहित 9,00,000 का सामान जब्त किया है। गौरतलब है कि 27 मई को डॉक्टर स्मिता उज्जैन से नागपुर जा रही थी, तभी भोपाल इटारसी के बीच चोरों ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया था। GRP पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी आमिर, फैजान, इमरान और आबिद भोपाल निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा सख्ती से इनसे पूछताछ की जा रही है, इससे और भी वारदातों का खुलासा हो सकेगा। जो करज गांव का नाम है उनका, उनका उनके जो बर्थ है वो अपना लेडी हुई थी रात में 2 बजे करीब। जैसी हल्की सी भोपाल स्टेशन पर गाड़ी धीमी हुई तो उन्होंने जो आरोपी है, जो संदिग्ध है, जिनके नाम मैं बताने जा रहा हूँ, उन्होंने क्या है उसका बैग पार कर दिया था। करीब उसके जो मोबाइल, एक तो मोबाइल पार किया था और करीब 9,00,000 का जो मशरू का था, उसका 9,00,000 मशरू का था, जिसमें सोने के हार, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, अंगूठी और भी हीरे के जवाहरात थे। इस प्रकार कुल 9,00,000 रुपये थे। हमने जो मोबाइल था उसका, महिला का, उसका नाम स्मिता बताया है, तो उसके मोबाइल को हमने ट्रैक में लगाया और बड़ी अच्छी सफलता हासिल की। राजगढ़ में सक्रिय बाइक चोरों को पकड़ने में पुलिस को उस समय सफलता मिली जब चोरी की बाइक के साथ एक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इन चोरों के पास से 7 बाइक बरामद की हैं। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर राजगढ़ SP ने सभी थाना प्रभारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर धुनी से आम लावे की तरफ जा रहा है। इसके बाद हेड कांस्टेबल सुनील कुशवाहा और इनकी टीम ने घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को रोककर पूछताछ की तो आरोपी मोटरसाइकिल के संबंध में गोलमाल बात करने लगा। पकड़े गए व्यक्ति का नाम भेरूलाल है। पुलिस की दूसरी टीम ने सब इंस्पेक्टर देशराज सिंह ने कालू सिंह को एक बाइक के साथ पकड़ा। इन दोनों चोरों से जब कार्यवाही की पूछताछ की गई तो उन्होंने इलाके में कई सारी बाइक चोरी करना स्वीकार किया। इन दोनों चोरों के पास से अब तक चोरी की 7 बाइक बरामद की जा चुकी है। 2 दिन पहले एक मोटरसाइकिल और चोरी हुई थी, तो उसमें TVS स्पोर्ट्स की जो ड्राइविंग हुई है 181 अपराध की, तो उसकी भी फरियादी को कहीं से सूचना लगी थी शायद, वो उसने हमको बताया कि इधर से इस टाइप से व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, जिस पर से प्रधान आरक्षक सुनील ने उसमें घेराबंदी करके उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की तो उससे 2 मोटरसाइकिल मिली है और एक आरोपी से 5 मोटरसाइकिल प्राप्त है। इस प्रकार कुल 7 मोटरसाइकिल हैं जिनके खिलाफ थाने में 2 मोटरसाइकिलों के अपराध पंजीबद्ध हैं, अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। हावड़ा से जगदलपुर आ रही समलेश्वरी एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर सामने से आ रही OHE वैन से टक्कर होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर लगने से इंजन में आग लग गई और ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए। दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने तथा OHE वैन के 3 कर्मचारियों की मौत होने की खबर आ रही है। हावड़ा से जगदलपुर आ रही समलेश्वरी एक्सप्रेस ओडिशा स्थित सिंहपुर रोड स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समलेश्वरी एक्सप्रेस की उसी ट्रैक पर सामने से आ रही OHE वैन से टक्कर हो गई। दुर्घटना में समलेश्वरी के इंजन में आग लगने और 2 कोच के पटरी से उतरने की खबर है। दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं और OHE वैन में सवार 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि रेल में 148 यात्री सवार थे, इन्हें रायगढ़ भेजा गया है। यात्रियों को ले जाने के लिए 2 बसों का इंतजाम कर उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार कोटागढ़ और सिंहपुर में ड्यूटी पर तैनात 2 स्टेशन मास्टरों को निलंबित भी कर दिया गया है। जल रक्षा अभियान में जुटे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने गौर नदी के उद्गम स्थल पर हजारों लोगों के साथ श्रमदान करते हुए कहा, अगर आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित बनाना है तो हर कीमत पर जल की रक्षा करनी पड़ेगी। राजनीति के अलावा हमें अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाना पड़ेगा।
जबलपुर में जल संरक्षण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने गौर नदी के उद्गम स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया। राकेश सिंह ने स्वयं तसला और फावड़ा लेकर श्रमदान करते नजर आए। राकेश सिंह ने कहा कि राजनीति के अलावा हमें अपने सामाजिक दायित्वों के लिए न सिर्फ जागरूक होना पड़ेगा बल्कि आगे बढ़कर काम भी करना पड़ेगा। अगर आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित बनाना है तो हर कीमत पर जल की रक्षा करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि राकेश सिंह पिछले कई वर्षों से जल रक्षा के अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया है उसके परिणाम दूरगामी हों, ऐसा ठोस योजना तैयार करनी होगी। आज हम गौर नदी के उद्गम पर खड़े हैं। ये गौर नदी जबलपुर के आसपास चारों तरफ से होकर बहती है। ये भी कभी जल की दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा करती थी, लेकिन इसमें भी अब पानी का भीषण संकट हो गया। कहीं कहीं तो ये तालाब में बदल गई और इसलिए इस उद्गम के स्थान में ही ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी और उद्गम का पानी हम रोक सकें, ये मेरा प्रयास है। और इस दृष्टि से आज से लेकर 5 दिन का ये अभियान तय किया है। 2 दिन मैं स्वयं यहाँ पर रहूँगा, श्रमदान करेंगे। और मैंने सबसे आग्रह किया, गाँव के लोगों से भी कहा कि गाँव में लोग ये कोशिश करें कि बारिश के पानी को वो रोकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, वही एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहा हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने क्या तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो। बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो, पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहा हूँ। ये सवाल के रखो पानी को, वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे, बेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई। ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हो। पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रहा हूँ। और हमले तो बढ़ेंगे ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल गया है। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रही हूँ। ये सब उनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रही हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहतरी गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊँची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे। वो वे भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा था फिर से ट्रांसफर हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ। यह भी बहुत आलसियों की कमी नहीं है, बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में, बता रहा हूँ। हल्के में मतलब भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए। अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। अभी विराट कोहली का फोन आ रहा है, हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको, तो ये नमस्कार मैं जा रही हूँ। देख रहे हैं दखल न्यूज़।